अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल हैरियत से हों। तो जी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त पैकिंग कंप्लीट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी मुश्किल से ना अल्लाह अल्लाह करके पैकिंग कंप्लीट हुई है। और बस ना इस वक्त हम लोग निकलने लगे हैं घर से, तो इस वक्त ना रात का 1 बज गया है और हम लोगों को ना 12 बजे के करीब निकलना था, क्योंकि उस टाइम पर ही ना कोच आनी थी, कोस्टर करवाई थी, तो सब ने मिलकर इकट्ठे ही जाना था। तो 12 बजे कोस्टर ने आ जाना था, तो हमें ना देरी हो गई है। तो इस वक्त ना 1 बजे हम लोग निकलने लगे हैं, और मेरा देवर जो नीचे पोर्शन में रहता है और जो नेक्स्ट ब्लॉक में भी रहता है ना, तो उन सब लोगों ने भी ना मिलके हमने सब ने मिलके इकट्ठे ही जाना था। तो बस हम लोग फिर निकले, और वहाँ पे पहुँचते पहुँचते भी हमें आधा घंटा लग गया, क्योंकि ना रात के टाइम पे ना मोटरवे पे ट्रक्स का इतना ज़्यादा रश होता है ना, कि वहाँ पे फिर जाते जाते हमें टाइम तो लग ही गया था। इतनी जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे थे, तो बस जिस काम को फिर जल्दी करो ना, उसके आगे रुकावटें ज़रूर आती हैं। तो वहाँ पर पहुँचते पहुँचते भी इतना ज़्यादा टाइम हो गया, तो तकरीबन 2 तो बज ही गए थे हमें। और अब हम लोग सब निकलने लगे हैं, फिर हमें देखते साथ ही ना सब लोग फिर बैठ गए थे कोस्टर में। सामान वगैरह तो उन्होंने पहले ही तकरीबन रखा हुआ था, और बाकी जो सामान रह गया था, तो वो भी जो हमारा सामान था, तो फिर वो भी उन्होंने जल्दी जल्दी से रखा। और अब बस निकलने की तैयारियों में हैं हम लोग। तो खैर से हमारा प्रोग्राम है जी नारायण का गान जाने का, और यहाँ पे ना हम सब लोग बैठे हुए हैं, और इस वक्त ना आपको बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा ना आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी। तो असल में ना हम लोग यहाँ पे नारायण पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे जिस होटल में हम लोग ठहरे हैं ना, उसके सामने बिल्कुल सामने ना दरियाए कुनहार है, और उसकी इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है ना, मुझे आज समझ ही नहीं आ रही थी मैं कहाँ पर बैठ के वॉइस ओवर करूँ। तो यहाँ पे हमने तकरीबन ना हम लोग सारी फैमिली आए हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने ना ये पूरा होटल ही लिया है, तकरीबन 7-8 कमरे हैं इसके, और सब कमरों में ही ना कोई था, तो मुझे कोई कमरा खाली दिखाई ही नहीं दे रहा था। इसलिए अब जो भी मुझे कमरा मिला है, यहाँ पे बच्चे भी मेरे साथ हैं, तो मुझे ना बड़ा थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है, वो ना फिर मेरी तरफ अब देख भी रहे हैं, और साथ साथ ना ये भी देख रही हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। तो थोड़ा सा ना अनईजी मैं फील कर रही थी, फिर मैंने कहा चलो जिस तरह से भी है ना, तो जल्दी जल्दी से ना व्लॉग एडिट करके तो आपके साथ शेयर कर दूँ। और बस हम लोग फिर निकल पड़े थे, और जब हम लोग निकले ना, तब तो उस वक्त बादल तो आए हुए थे, लेकिन बारिश नहीं थी लाहौर में। लेकिन जैसे जैसे हम लोग ना मोटरवे पर आगे बढ़ते गए, तो बारिशें शदीद होती गईं, हर जगह ही बारिश बारिश, और इतनी तेज़ बारिश थी ना, हम लोगों को इतना ज़्यादा डर भी लग रहा था। और यहाँ पे ना शुरू में तो बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे ना, इतने ज़्यादा खुश थे, तो हम लोग ना पहले उन्हें दुआएं वगैरह पढ़ाते रहे, बाद में ना वो कोई सॉन्ग लगा के तो शुरू हो जाते थे। और ना हमें निकलते निकलते 3 बज गए थे, 3 बजे हम लोग निकले, और फिर रास्ते में ना जल्दी हमने एक जगह पर स्टे किया, वहाँ पर फजर की नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद फिर आगे निकल पड़े, और उसके बाद हमने कहीं पर भी स्टे नहीं किया, मुसलसल सफ़र ही करते रहे। वैसे भी नॉर्दर्न एरियाज़ का जो सफ़र होता है, तो बच्चों को ना हासा पसंद होता है, बच्चे वैसे ही बड़े ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो यहाँ पे ना सब बच्चे ही एक्साइटेड थे। आगे जाके वो बैठे हुए थे ड्राइवर के साथ, तो मैं ना मुसलसल उनको आवाज़ें दे रही थी, मैंने कहा पीछे आ जाओ, इतनी तेज़ बारिश हो रही है, इस तरह ना वो कहीं अनईजी फील ना करें, तो उन्हें आराम से एहतियात से ड्राइव करने दो। बच्चे ना सारे आगे बैठ के ना तो बारिश को इंजॉय कर रहे थे, इतनी तेज़ बारिश थी ना, मैं आपको बता ही नहीं सकती। हम लोग जितना कह रहे थे ना आज बारिश ना हो, कम हो, लेकिन उतनी ही तेज़ बारिश हर जगह हमें दिखाई दी, हर जगह तेज़ बारिश हो रही थी। तो बस अल्लाह अल्लाह करके ना ये मोटरवे पे इस्लामाबाद की तरफ से हम लोग बाहर निकले, और फिर दूसरी तरफ ना हम लोगों ने फिर हज़ारा मोटरवे की तरफ टर्न ले लिया था। तो इसी तरह से ना कुछ सफ़र हमारा बातों में गुजर गया, कुछ ऐसे ही बस अंधेरे में हम लोग बाहर देखते रहे, इस तरह से गुजर गया। कुछ बच्चों की शरारतों को, उनकी बातों को सुनते रहे, कुछ उनके ये देखे जो सैरिश डांस वगैरह कर रही है, हम लोग इसको इंजॉय कर रहे थे, तो बच्चे खूब इंजॉय कर रहे थे, हम भी उनके साथ लगे हुए थे। और आज की सारी रात ना हमारी बस में कोई भी 1 मिनट के लिए भी सोया नहीं था, सब लोग ही ना सारी रात जागते रहे, इंजॉय करते रहे। वैसे भी ना सफ़र पर जाने की खुशी भी बड़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए बच्चे भी बड़े ज़्यादा एक्साइटेड थे, बड़े तो थे ही थे,
तो बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला मचाया हुआ था और बारिश ने भी हमारा खूब साथ दिया। हम लोगों को डराती भी रही रास्ते में, इतनी तेज़ बारिश कभी होती थी, कभी कोई जगह ऐसी आ जाती थी जहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होती थी, खुश्क होती थी सड़कें, तो हम लोग फिर खुश हो जाते थे। हम कहते थे या अल्लाह पाक आगे भी ऐसा ही हो, बारिशें ना होती हों, कहीं हम आगे जाएँ नारान कागान की तरफ, वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग वगैरह होती हो तो फिर इस तरह से परेशानी होगी। बस हम लोग ना बच्चों की वजह से निकल पड़े हैं, क्योंकि ना बच्चे काफ़ी दिनों के ज़िद कर रहे थे। वैसे भी ना अगर हम लोगों ने ना नॉर्दर्न एरियाज़ में जाना हो ना तो अगस्त के महीने में हम लोग प्लान किया करते हैं, लेकिन इस दफ़ा ना बड़ी ईद पे ना बकरा ईद पे ही तो बच्चों की प्लानिंग हो गई थी कि हम लोग ना चलेंगे, तो बड़ा ना उनके तायाबू कहते रहे कि 8-10 दिन गुजार लें, हम लोग ना 1 अगस्त के बाद चले जाएंगे, लेकिन बच्चे माने ही नहीं, फिर कहने लगे कि हमारे स्कूल ओपन हो जाएंगे तो हमें जल्दी ही लेके चलें, तो इसलिए ना फिर ये प्लान सेट हुआ कि सब लोग ना मिलके इकट्ठे चलेंगे, और इकट्ठे जाने का मज़ा भी अलग होता है, और अपनी गाड़ियाँ हम लोगों ने इसलिए नहीं पकड़ी क्योंकि ये ना मौसम है बरसात का और लैंडस्लाइडिंग का भी मौसम है, तो इसलिए ना हम लोगों ने कहा कि ये कोस्टर करवा लेते हैं तो इसी पे ही चलते हैं, सब मिलके इकट्ठे चलेंगे और इकट्ठे सफ़र करने का फिर मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। और यहाँ पे ना बच्चों का बुरा हाल होया हुआ था नींद की वजह से, और फिर जैसे ही सुबह होने लगी ना तो रोशनी रोशनी हो गई थी, तो फिर बारी बारी ना सारे बच्चे ही सो गए, तो कहीं पे एक बच्चा सोया हुआ नज़र आता था, कहीं पे दूसरा बच्चा सोया हुआ नज़र आता था, तो इसी तरह से ना बस बच्चों की शरारतों में, हंसी मजाक में और खूब इंजॉयमेंट करते हुए ना हम लोगों ने ये सफ़र किया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम लोग ना एबटाबाद टनल से गुजर रहे थे, तो ये ना बड़ा ज़्यादा ना अंधेरा रास्ता था, ऐसे लग रहा था जैसे हम किसी सुरंग में से गुजर रहे हों, तो मैंने ना जल्दी से फिर फटाफट से कैमरा निकाला। इस वक्त ना मैं भी बस ना सीट के साथ टेक लगा के ना सोने की कोशिश कर रही थी, मैं कह रही थी सो जाऊंगी ना तो फिर सफ़र का पता नहीं चलेगा, वरना इतना ज़्यादा महसूस हो रहा था ना, वैसे भी हम लोग ना इस दफ़ा रात का सफ़र कर रहे हैं ना तो बड़ा ज़्यादा फील हो रहा था, नींद भी बड़ी ज़्यादा आ रही थी और थकन भी बड़ी ज़्यादा महसूस हो रही थी। तो बस मैंने ना एकदम से ना आँखें खोली ना तो हम लोग ना ये रोड क्रॉस कर रहे थे ये टनल, तो फिर मैंने जल्दी से इसको शूट किया और इस वक्त देखिए जी दिन हो गया है और आगे से रोड बिल्कुल साफ़ है। तो जैसे ही हम लोगों ने हज़ारा मोटरवे पे टर्न लिया ना तो तब ना रास्ते बिल्कुल क्लीन हो गए थे और बारिश वगैरह भी नहीं हो रही थी, सड़कें भी खुश्क थी, तो शुक्र किया हम लोगों ने, कहा कि अल्लाह करे ऐसा ही मौसम रहे, ऐसा मौसम ही अच्छा लगता है, बारिशों में तो फिर वैसे ही बड़ा ज़्यादा डर भी लगता है। और ये देखिए इस वक्त भी कितने घने बादल आए हुए हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे रुई के गोले हों, तो बिल्कुल वाइट वाइट आसमान होया हुआ था, तो बड़ा प्यारा लग रहा था। मैंने फिर इसे ना फ़ौरन से कैप्चर कर लिया, मैंने कहा चलो बाद में ना हम लोग भी ना व्लॉग्स को देखते हैं, जो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ ट्रैवल सीरीज़ शेयर की थी ना तो बच्चे बड़े ज़्यादा शौक से ना बाद में देखा करते थे, तो बड़ा ज़्यादा ना फिर बाद में भी मज़ा आता था, तो मैं ना ये सारी चीज़ें ना अपनी मेमोरीज़ के लिए भी कैप्चर करती जाती हूँ कि चलो बाद में हमारा भी दिल लगा रहेगा, तो जो जो सीन्स मुझे पसंद आते हैं। और ये देखिए सामने ना पहाड़ नज़र आ रहे हैं, तो ऐसे लग रहा था जैसे ये बादल है, कभी लग रहा था कि जैसे ये पहाड़ है, कभी लगता था बादल है, तो नीले नीले कभी लगते थे, कभी पहाड़ों की तरह लगते थे, तो बड़ा प्यारा ना ये सीन। और मुझे तो बिल्कुल इस तरह से लग रहा था जैसे कोई मेरे सामने ना सीनरी लगी हुई है और मैं उसको कैप्चर कर रही हूँ, देखिए कितना प्यारा आसमान लग रहा है ना, कहीं से नीला नीला लगता था, कहीं से बिल्कुल वाइट वाइट लगता था, कहीं से रुई के गालों की तरह लगता था, और पहाड़ इतने अच्छे लग रहे थे, इतने प्यारे। तो ये सीन आप लोग ना मेरे साथ साथ इंजॉय कीजिए, नेचर को इंजॉय करें, और साथ में आपको मज़ा इसलिए भी आएगा कि जो लोग यहाँ पर नहीं आ सकते तो वो फिर घर बैठ के मेरे व्लॉग्स के ज़रिए ये सारे प्यारे प्यारे मंज़र देख सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं कि हमारा वतन पाकिस्तान माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़्यादा प्यारा है, और देखिए कितनी ज़्यादा ग्रीनरी है ना, और ग्रीनरी इतनी अच्छी लगती है ना सुबह के टाइम देखने में, इंसान खुद को इतना ज़्यादा फ्रेश फील करता है। तो यहाँ पे बच्चे भी उठ गए थे, बारी बारी उठते जा रहे थे, तो इससे पहले ना बारी बारी बच्चे सो भी गए थे, और कोई एक तरफ सोया हुआ था, कोई दूसरी तरफ सोया हुआ था, और अब सब उठ के बैठ गए थे, तो इनका ख्याल था कि जब हम लोग उठेंगे ना तो हम लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे नारान कागान, और जब ये लोग उठे ना तो कहने लगे अभी तक हम लोग पहुँचे ही नहीं हैं, तो आया ही नहीं है। तो हमने इन्हें बताया कि हमने भी आज ना बड़ी लेट पहुँचना है, 3 बजे, तो हम लोग रात के 3 बजे घर से निकले थे, और सुबह तकरीबन हमारा अंदाज़ा था कि हम 3-4 बजे के करीब ही वहाँ पर जा के पहुँचेंगे,
तो 12-13 घंटे का सफ़र है और मुसलसल सफ़र करना ना बड़ा ज़्यादा मुश्किल है बच्चों के साथ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बच्चों ने हमें ज़्यादा तंग नहीं किया, वरना हम तो यही सोच रहे थे कि सभी अपने बच्चों को लेके जा रहे थे, बच्चे छोटे छोटे भी हैं तो बच्चों ने बड़ा ज़्यादा हमें तंग करना है। लेकिन चूँकि रात का सफ़र था तो फिर शुक्र है कि कुछ देर के लिए बच्चे सो भी गए थे, इसलिए ना फिर सफ़र करने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। और इस वक्त ना हम लोग इतना ज़्यादा थक के चूर हो चुके थे, इतनी ज़्यादा थकन हुई हुई थी ना, इतनी ज़्यादा थकन कि मैं आप लोगों को बता ही नहीं सकती। सारी रात सफ़र करते रहे हैं, टांगे सीधी नहीं हो रही थी, फोल्ड भी नहीं हो रही थी, बस लटका के इस तरह से बैठे हुए थे, सारी रात इस तरह से बैठे बैठे गुजर गई। इतना ज़्यादा थकन मैं फ़ील कर रही थी ना, मैं भी और बच्चे भी सभी, बल्कि जो जो सब बस में सवार थे, कोस्टर में बैठे हुए थे, सब ही कह रहे थे कि हम इतना ज़्यादा थक गए हैं, क्योंकि इतना लंबा सफ़र करने की हमें आदत नहीं है। हम जब भी जाते हैं ना नॉर्दर्न एरियाज़ में, तो हम लोग इतनी दूर कभी भी नहीं गए, तो नथिया गली तक ही हम लोग जाते हैं, अयूबिया चले जाते हैं, यहाँ तक ही ना, क्योंकि ये इन जगहों का ना सफ़र कम है और वहाँ पे पहुँच के ना फिर सर्दी सर्दी का एहसास होता है, तो बच्चे उसी में ही खुश हो जाते हैं। तो जब भी हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं ना तो वहीं तक का ही बनाते हैं, वहाँ पे इजीली हम लोग इंजॉय करके तो वापस आ जाते हैं। और इस दफ़ा ना फर्स्ट टाइम हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है कि इस दफ़ा हमने नथिया गली की साइड पर नहीं जाना, बल्कि हम लोगों ने नारायण का गान जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ के मंज़र को इंजॉय करना है, तो उसे देखना है, क्योंकि सबको ही शौक़ था कि अब ना कोई नई जगह ट्राई करते हैं, किसी नई जगह पे जाते हैं। और यहाँ पे ना जगह जगह पे ना आबशारें थी, और बस ना इस सफ़र में हम लोग थक तो इतने ज़्यादा गए थे ना, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था ना ये सब सीनरीज देख के, क्योंकि घर बैठ के ना आपको ये सब देखने को नहीं मिलता। तो चाहे आप जितना मर्ज़ी पुरसकून होकर घर बैठे रहें, लेकिन ये सब सीन्स देखने के लिए ना आपको यहीं पे आना पड़ता है पहाड़ों पर। और इस दफ़ा तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी इतनी ज़्यादा गुड लक हो गई है ना कि हम तकरीबन 1.5-2 माह पहले भी आए थे पहाड़ों की सैर करने के लिए, और अब दोबारा से आ गए हैं, और अब तो बल्कि हम आगे की तरफ आए हैं, पहले तो हम मरी तक रुके थे और अब नारायण का गान की तरफ आए हैं, इससे भी आगे बच्चों के तो बड़ी प्लानिंग है, अभी मैं आपके साथ रिवील नहीं करूंगी, फिर इस तरह से ना आपको मज़ा नहीं आएगा कि हम लोग कहाँ जाते हैं क्या करते हैं, तो ये सब ना आप लोगों के लिए सरप्राइज़ ही होगा। तो इसलिए ना बच्चों की प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा है, सब बच्चों ने ही मिल के ना प्लान बनाए हुए हैं कि यहाँ पर चलेंगे वहाँ पर चलेंगे। अब देखिए टाइम के हिसाब से, इस दफ़ा हमने यही सोचा था कि हम लोग ना 6-7 दिन के लिए जाते हैं, तो काफ़ी जगह घूम के आएंगे, लेकिन फ़िलहाल तो हम लोग अभी ये पूरा दिन लग गया है हमें ना यहाँ पे आते आते। और ये देखिए दरिया कुनहान जिसका मैं आपको बता रही थी ना, तो ये देखिए इसका पानी इतना तेज़ बहता था ना, इतना तेज़ था पानी इसका, तो बड़ा ना बड़ी जगहों पे हमें ये नज़र आया है, पता नहीं ये कहाँ कहाँ से होके गुजरता है, मुझे तो लगता है ये सारी इन जगहों पर ना हर जगह पर दरिया कुनहान ही गुजरता है। तो इसको ना हम लोगों ने वैसे बड़ा ज़्यादा इन्जॉय किया। और यहाँ पे आप बादल देखिए, आप खुद देख के बताइए ये सीन कितना अच्छा है ना, मुझे इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था ना, मुझे हर वो सीन प्यारा लग रहा था जिसमें कि ये बादल और ये पहाड़ आपस में मिलते हुए, इनका ना ये बड़ा कम्बिनेशन बड़ा अच्छा बनता था। और जो चीज़ मुझे खुद देखने को अच्छी लग रही थी ना, मैंने कहा जल्दी से फ़ौरन से आप लोगों के लिए भी कैप्चर कर लूँ, आप लोग भी ये मेरे साथ इन सीन्स को इन्जॉय करें। और यहाँ पर ना अब हम इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी ना, हमने कहा कहीं पर रुक के अब चाय पी लें, क्योंकि रास्ते में ना बस एक जगह पे ही हम लोगों ने स्टे किया था, फिर मुसलसल ट्रैवल था, और अब ना यहाँ पे हम लोग रुके थे, हम लोगों ने कहा कि चलो नाश्ता कर लेते हैं और साथ में ना चाय का कप पीते हैं। चाय के बगैर ये देखिए बिल्कुल भी ना आंखें खुल नहीं रही थी। अभी ना यहाँ पे हम लोग ना उतरे थे सब लोग ना फ्रेश होने के लिए, तो मैंने ना यहाँ पे देखा पानी इतना ज़्यादा ठंडा था ना, मैंने बेसन खोल के देखा इतना ठंडा पानी था, मेरा दिल चाहा मैं फ़ौरन से ना मुँह धो लूँ, मैंने मुँह धो लिया। और यहाँ का पानी इतना ज़्यादा ठंडा था ना, इतना ठंडा पानी कभी घर में भी मैंने इतना ठंडा पानी नहीं देखा, ऐसे लग रहा था जैसे फ्रिज में से निकाल के पानी ना तो मैं मुँह धो रही हूँ, इतना मज़ा आया ना, सारी यूँ लग रहा था जैसे रास्ते में जितनी मुझे थकन हुई है तो वो सारी 1 मिनट में दूर हो गई हो। तो इसलिए मैंने फिर अच्छी तरह से ना वो छींटे मार मार के मुँह धोए और मुझे बड़ा ज़्यादा मज़ा आया ना। तो अरीबा ने धोया नहीं था, मैं उसको बड़ा कहती रही, मैंने कहा धो के तो देखो इतना ठंडा पानी है तुम्हें बड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा, लेकिन वो मानी नहीं बात, मैंने कहा चलो नहीं धोती तो फिर हैर है। तो अब ना यहाँ पर हम लोग ना रुके थे बस ये नाश्ता वाश्ता करने के लिए ही, और बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा ना चल फिर के ना अपनी टाँगों को हरकत दे रहे थे, क्योंकि ना सबकी टाँगें ऐसे लग रहा था जैसे जाम हो गई हों। तो
हम लोग ना फिर यहाँ पे थोड़ी देर ना पेट्रोल पंप पे ना फिरते रहे, और इसके सामने ही ना एक था होटल, तो वहाँ से हम लोगों ने यही सोचा था, डिसाइड किया था कि नाश्ता कर लेते हैं, साथ में चाय पी लेते हैं। और अब ना हम सब लोग सामने वो उसी होटल में जा रहे थे जहाँ पे हमने नाश्ता वाश्ता करना था, तो यहाँ पे ना बच्चे लगे हुए थे नफाइल के साथ, तो इसको देख लेते हैं ना तो बड़ा ज़्यादा प्यार करते हैं, इसके पीछे सारे बच्चे पड़ जाते हैं, कोई एक बच्चा इधर से खींचता है, कोई दूसरी तरफ से खींचता है, तो बस इसी तरह से लगे रहते हैं। और ये देखिए जी, रीबा भी अपना व्लॉग बना रही है, तो मैं आपको दिखा रही थी कि वो भी लगी हुई है अपने कामों में। और ये देखिए अब नफाइल को, ये देखिए बच्चे किस तरह से ना चिमटे हुए हैं, तो इसी तरह से ना सारे बच्चे इसको प्यार करते हैं माशाल्लाह। तो ये है भी बड़ी प्यारी माशाल्लाह। तो अब ना यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, चाय का कह दिया था, तो साथ में ना मेरी नाना बना के लाई हुई थी कीमे वाले नान, तो वही गर्म किए सब ने, वही खाए और साथ में चाय मंगवा ली। हम लोगों ने कहा कि चलो यही नाश्ता इस वक्त करते हैं और फिर ना आगे सफ़र के लिए निकलते हैं, क्योंकि साथ में ना एक छोटी गाड़ी भी लेके आए हुए थे हम लोग, तो मेरे जो जेठ है ना तो वो दूसरी गाड़ी में थे, और साथ में ना दो तीन मर्द उस छोटी गाड़ी में बैठे हुए थे, बाकी कुछ लोग यहाँ पे थे, सारे मतलब लेडीज़ जो थी ना वो कोस्टर में थी, और साथ में कुछ मर्द इधर कोस्टर में भी थे, बाकी थोड़े से उधर बैठ गए थे, बस इस तरह से ना मिलजुल के हम लोग सब बैठे थे। तो यहाँ पे ना हम लोग बालाकोट के करीब रुके थे, और यहाँ पर भी बड़ी शदीद किस्म की गर्मी थी, यहाँ पर भी कोई मौसम अच्छा नहीं था, और इतना ज़्यादा ना हमें यहाँ पर भी पसीना आ रहा था। तो हम लोग कह रहे थे ये तो बिल्कुल बालाकोट ना लग रहा है लाहौर के जैसा, वहाँ पे भी इसी तरह से ही हमें पसीने आ रहे थे, और यहाँ पे भी इसी तरह से हमारा बुरा हाल है। तो बस ना फिर यहाँ पे ना नाश्ता करना था ना हमने, तो बच्चों ने फ्रेश भी होना था, तो इसलिए हम लोग रुके थे, और जब रुक गए थे तो फिर हमने कहा चलो अब ये चाय वगैरह भी पी लेते हैं, तो इसलिए ना फिर यहाँ पे गर्मी में बैठ गई ना हम लोग। यहाँ का मौसम अच्छा नहीं था, बस ना बड़ा गर्मी वाला मौसम था, अच्छा नहीं लगा हमें। तो यहाँ पे हमने सिर्फ ना आधा घंटा स्टे किया था, और अब ना ये देखिए यहाँ पे बच्चे बस लगे हुए हैं नफाइल के साथ, मैं आपको बता रही थी ना बच्चे इसको छोड़ते नहीं हैं, इसको देख लेते हैं ना तो बस ये कभी एक बच्चे के हाथ में होती है, कभी दूसरे बच्चे के हाथ में होती है, बस बच्चे ना इसको चैन लेने नहीं देते। और यहाँ पे आपने देखा होगा कि नान गर्म करके तो यहाँ पे पड़े हुए थे, हम लोगों ने ना यहाँ पे नान गर्म करवा लिए थे, और साथ में ये चाय भी आ गई थी, तो मैंने रीबा से कहा मेरी भी चाय पकड़ लो, और कप इनके ना काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छे लग रहे थे, मैंने कहा बड़े स्टाइलिश किस्म के कप रखे हुए हैं यहाँ पे, तो चाय ना वैसे इन कपों में ना चाय जल्दी ठंडी हो जाती है, मुझे ना वो दूसरे कप अच्छे लगते हैं लंबे वाले, जैसे कि मेरे घर में है तो उसमें चाय भी थोड़ी ज़्यादा आती है और ठंडी भी जल्दी नहीं होती, तो बड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। मैं अपने घर की चाय को ना आज बड़ा ज़्यादा मिस कर रही थी, मैंने कहा घर में होती ना मैं इतना बड़ा कप पीती, मेरी थकन सारी दूर हो जाती, और साथ में ना गर्मा गर्म भी होती चाय, हालाँकि ये ना इस वक्त पकती पकती चाय आई थी, लेकिन ना फिर भी ना वो ठंडी हो गई थी। और अब ना यहाँ पे हम लोग ना चाय के साथ शामी खा रहे थे, तो इसी तरह से ना कोई कुछ बना के लेके आया हुआ था, कोई कुछ बना के लेके आया हुआ था, तो मिलजुल के ना बस इसी तरह से ना हम लोग सफ़र कर रहे थे। बच्चों ने तो इतना गंदबला खाया ना, वो जो सारे चिप्स होते हैं, जूस, कुरकुरे, सब बच्चों ने इतने ज़्यादा ये चीज़ें खाई ना कि उनको अब ना इस वक्त भूख नहीं लग रही थी, रास्ते में आते आते ही ना बच्चों ने इतना ज़्यादा ये स्नैक्स वगैरह खाए। तो चाय भी इस वक्त मुर्जा ने तो नहीं पी थी, वो कह रहा था मेरा भी दिल नहीं चाह रहा, तो बस रीबा ने और मैंने चाय पी, और साथ में ना मैंने रीबा को शामी दिया था, मैंने कहा खा लो, तो अभी वो भी नखरे कर रही थी, वो भी नहीं खा रही थी, कह रही थी मेरा दिल नहीं चाह रहा, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना आधा खा लो, फिर आगे पता नहीं हमने अब कहाँ पे जाके रुकना है। और ये देखिए मैं आपको यही दिखा रही थी कि बालाकोट ये देखने में तो बड़ा प्यारा है, लेकिन यहाँ पे अभी गर्मी फ़िलहाल बड़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर इस होटल पर ना ये छोटा सा ही है, इस तरह से जैसे खोखा सा बना होता है ना वैसा था ये, और यहीं पर रुक के ना हम लोगों ने अपना नाश्ता किया है, और इसके बाद ना अब आगे का जो सफ़र है, और आगे फिर हम लोग कहाँ पे गए, कहाँ पे होटल लिया, कहाँ पे रुके, ये सब आपको मिलेगा जी अगले व्लॉग में, तो देखना मत भूलिएगा मेरा अगला व्लॉग। और अगर ये व्लॉग भी आपको पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर थोड़ा सा भी मेरा व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर अप्रिशिएट किया करें। तो मिलती हूँ आपसे दोबारा इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ, खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।